लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने तीन तीन स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र यह डर अच्छा लगा, एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद, क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे, छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड में झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना, क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है, बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज बड़ा दुख की बात है। खैर एसपी साहब बड़े भाई के समान हैं, उनके सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया है सर, आज हमने क्या किया है सर, आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर, इतनी बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, माननीय
इस क्षेत्र के हमारे योगेश बाबू और उनके साथ मदन सर का भी, जो भी इस क्षेत्र के अर्जुन दा, अमित जी, सभी का धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आलोक दा, रोनित बाबू भी, विशाल जी, बड़ा अच्छा काम किए। और मीडिया कर्मी जो भी आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं, आपका धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी प्रशासन, आपका भी धन्यवाद। आपने कोऑपरेट किया, ड्यूटी का सवाल या फिर मजबूर रहते हैं। नॉमिनेशन के वक्त एक चेकलिस्ट मिला होगा, जिनके पास भी है एक बार प्लीज हमको एक बार दिखाइएगा। जयराम जी के नॉमिनेशन के बाद एक चेकलिस्ट मिला होगा आरोप के द्वारा। यार